तो रिलायंस डिजिटल टीवी की तरफ से भी एक ऑफर निकल कर आया था, जिसमें आपको जो है पूरे 5 साल के लिए यानी कि पहले साल के लिए सभी पेड चैनल्स फ्री में दिए जा रहे हैं, जबकि अगले 4 साल के लिए आपको सभी FTA चैनल्स फ्री में दिखाए जाने वाले हैं। तो उसी के बाद से काफ़ी ज़्यादा लोगों के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि जो जियो का सेट टॉप बॉक्स आने वाला था या जियो का DTH आने वाला था, वो कब यहाँ पर लॉन्च किया जाने वाला है और उसमें आपको कितने चैनल्स मिलने वाले हैं और क्या कुछ उस सेट टॉप बॉक्स का प्राइस रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स इसको लेकर जो है कॉमेंट कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि रिलायंस का जो DTH सेट टॉप बॉक्स आने वाला है वो कब तक आने वाला है और इसका क्या प्राइस रहने वाला है और कौन कौन से चैनल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस DTH के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कब ये DTH लॉन्च किया जाने वाला है रिलायंस जियो का। तो रिलायंस जियो का जो DTH लॉन्च किया जाएगा वो जियो का जो FTTH सर्विस यानी कि जियो का जो ब्रॉडबैंड सर्विस है जियो फाइबर नेट, उसके साथ लॉन्च किया जाने वाला है। क्योंकि जियो का जो सेट टॉप बॉक्स होने वाला है वो आपका एक सैटेलाइट सेट टॉप बॉक्स नहीं होने वाला है, जैसा कि आप ऑर्डिनरी जो डिश टीवी वगैरह या टाटा स्काई वगैरह देखते हैं आपके जो छत रहती है उस पर एक सैटेलाइट एंटीना लगाया जाता है। तो जियो का जो DTH रहने वाला है वो इस टाइप का नहीं रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जियो का जो सैटेलाइट एंटीना वाला डिश टीवी आपको मिलेगा वो नहीं देखने को मिलने वाला। जियो का जो डिश टीवी होगा वो IPTV सेट टॉप बॉक्स वाला डिश टीवी होगा, जिस तरह से आपको एयरटेल इंटरनेट टीवी देखने को मिलता है जो कि इंटरनेट के द्वारा चलते हैं, तो आपको भी ऐसा ही यहाँ पर जियो का DTH सेट टॉप बॉक्स मिलने वाला है, यानी कि आप उसे सिर्फ इंटरनेट से ही चला पाएंगे। तो यहाँ पर एक मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, उस क्लिप को देखकर आप समझ जाएंगे। Reliance Jio we hear is all set to launch its cable services real soon and Vijay Iyer has more details and here he is with them. Vijay, tell us what you're picking up. Reliance Jio has indeed confirmed that they will be entering the cable business to the MSO license that they hold, and clearly IPTV would be the platform that they would be rolling out their network from, and clearly they also want to capitalize on the distribution and the bouquet of channels that they hold through their media network. तो दोस्तों यहां से एक बात तो कन्फर्म हुआ कि रिलायंस जियो का जो DTH आने वाला है वो एक IPTV वाला सेट टॉप बॉक्स होगा जो कि इंटरनेट से चलने वाला है। अब यहां पर बात करते हैं कि आपको कितने चैनल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तो जितने भी चैनल्स फिलहाल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो जियो TV वाला ऐप है उसमें जितने भी चैनल्स जियो के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगभग 500-600 के करीब जो चैनल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक उतने ही चैनल्स आपको आपके जियो TV के सेट टॉप बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि जियो का IPTV सेट टॉप बॉक्स होगा उसमें आपको सेम वही चैनल्स मिलने वाले हैं जो कि फिलहाल आपको जियो TV ऐप पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चैनल्स आपको वहाँ पर मिलेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा HD चैनल्स भी शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों रिलायंस जियो का जो DTH होने वाला है वो रिलायंस जियो के फाइबर नेट के साथ में लॉन्च किया जाने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर लॉन्चिंग ऑफर की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता होगा जो रिलायंस जियो का फाइबर नेट फिलहाल कुछ टेस्टिंग में चल रहा है वहाँ पर सभी यूजर्स को 3 महीने के लिए फ्री में सर्विसेज दी जा रही हैं। तो ठीक ऐसे ही जब रिलायंस का फाइबर नेट या जियो DTH लॉन्च किया जाएगा तो ठीक ऐसे ही आपको 3 महीने के लिए फ्री में सर्विसेज देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि रिलायंस के DTH को लेकर निकल कर आया था। अगर आपका अब भी कोई क्वेश्चन हो रिलायंस जियो DTH के बारे में तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। We'll be right back.